मुझे ऑप्शन दे दे इसको सच रिकॉर्डिंग के ठीक हो गए। तो आज की हमारी इस क्लास में हम बात करने जा रहे हैं होम मेनुवार की कुछ मिसलेनियस चीजों के बारे में, और मैं रिकॉर्डिंग की परमिशन दे दिया है, आप रिकॉर्ड करना शुरू कर। मिसलेनियस में जैसे सबसे पहले बात करते हैं फॉर्मल एडजेक्टिवल, जो कि आपने जिक्र किया है। फॉर्मल एडजेक्टिवल क्या है? तो जैसे कि आपने कुछ छोटा सा डेटा या कोई भी डेटा बनाते हो, तो जनरली डेटा को हम फॉर्मेट करते हैं। फॉर्मेट में क्या, हम इसकी बैकग्राउंड कलर देते हैं, फॉन्ट चेंज करते हैं, फॉन्ट की कलर देते हैं, लाइनिंग वाइनिंग दे देते हैं, यही तो फॉर्मेटिंग कहलाती है ना सर, नॉर्मल फॉर्मेटिंग। लेकिन क्या है कि इसके लिए हमें कई सारे चीज अप्लाई करने होते हैं। जैसे कि हमें मान लीजिए मैं एक छोटा सा डेटा बनाऊंगा, अब इसमें मान लीजिए कि इसमें हमें इसको फॉर्मेट करना है, तो कई सारे मुझे स्टेप फॉलो करना पड़ते हैं। सबसे पहले इसको आप देख रहे हैं कि हमें इसके ऊपर अप्लाई करना होता है बॉर्डर कलर, वो सारे स्टेप्स यूज करना होता है। तो फॉर्मेट एट द टेबल के अंदर अगर आप आते हैं तो कंडीशन यहाँ पे ये बने बनाए आपको फॉर्मेटेड टेबल्स मिलेंगे, जिस पे क्लिक करते ही आपका डेटा उसी तरह के फॉर्मेट में हो जाएगा। देखिए टेबल हो जाएगा, इसका इस एरिया का नाम टेबल वन हो गया, और इसको मैं चेंज करके डेटा कर सकता हूं। ये डेटा नॉर्मल भी रहा और एक टेबल भी हो गया, डेटा टेबल। अब बोले सर टेबल क्या होता है, तो सी टू भी एक तरह का टेबल ही है जिसमें रो एंड कॉलम है ना सर। तो सी टू के अंदर हमने एक डेटा नाम का टेबल, मैं टेबल के अंदर टेबल बना। अब मान लीजिए मुझे अगर इसको सम करना है सम, तो मैं यहाँ पे ठीक है आपको डेटा दिख रहा है सर, तो इसका एक अलग आइडेंटिफिकेशन हो गया। जैसे कि अगर मैं नॉर्मली सम एक रेंज को सिलेक्ट करता हूं सर क्या, लेकिन अब मान लीजिए मैंने इसको इस पे क्लिक कर दिया, दिख रहा है आपको क्या हो डेटा, डेटा में कौन सा ऑल, कौन सा कुछ जाए, तो हेडिंग के अकॉर्डिंग ही चल रहा है, बात समझे ठीक है। तो ये जो है A1, B1, C1 से बाहर निकल के एक अलग अपना आइडेंटिफिकेशन, एक अपना एड्रेस, एक अपना नाम बना देता है जो हम देते हैं। उसके बाद ये अपने आप फिल्टर लग जाता है, आगे चल के इसको पिवट में, फिल्टर में और भी चीजों में दिक्कत नहीं होती है। ऐसे एक और फायदा है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया पूजा, लिख दिया पूजा, तो देखिए ऑटोमेटिकली पूजा को अपने फॉर्मेट के अंदर में ले लिया। आपको नीचे डेटा एंट्री करते समय हर डेटा के ऊपर फॉर्मेटिंग नहीं करना है, ठीक है। टेबल पे जैसे क्लिक करेंगे, अब देखिए यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे आपको एक नया टैब नहीं दिख रहा है, लेकिन जैसे मैं इस टेबल के एरिया पे क्लिक करूंगा टेबल डिजाइन करके आ जाता है। टेबल डिजाइन में आते हैं तो यहाँ आपका नेम हो गया, रिसाइज टेबल, मतलब कि मान लो कुछ ऐसे डेटा और भी है जो कि टेबल के अंदर में नहीं है, रिसाइज कर सकते हैं। मान लो नीचे अगर आपने 30, 24, 25 कोरल रखा है, हालांकि मैं इसको सिलेक्ट करके ड्रैग करूंगा तो वो ले लेगा, दिख रहा है ना आपको इस तरह से, लेकिन मान लीजिए कि ड्रैग आपने नहीं किया हुआ इसे यहाँ पे, दिख रहा है नीचे का डेटा आपको दिख रहा है टेबल से बाहर का डेटा, टेबल से बाहर का है, टेबल कहाँ तक है तो टेबल 19 तक है। तो मैं यहां से ड्रैग करके रिसाइज कर सकता हूं टेबल को, या फिर टेबल डिजाइन पे रिसाइज टेबल और इसको वापस से हम सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है पहला चीज। दूसरा इसमें समराइज भी पिवट टेबल में लेके जा सकते हैं, रिमूव डुप्लीकेट। अब इसमें कोई डुप्लीकेट है तो उसको रिमूव, डुप्लीकेट उसको रिमूव कर देगा। अब कन्वर्ट टू रेंज, मतलब जब टेबल के साथ अगर कुछ बेनिफिट्स है तो कुछ प्रॉब्लम भी है, समझे सर। तो आप चाहते कि नहीं नॉर्मल रेंज पे कन्वर्ट हो जाए, तो इस पे क्लिक कि आप एक नॉर्मल रेंज पे आ गए, आ गया सर, जिसे हम जनरली टाइप करते हैं।
टेबल में समय नहीं आपने क्या किया है, क्या किया है? हमने टेबल डिजाइन में जाके कन्वर्ट टू रेंज कर दिया। ओके ऐसा करने से क्या हुआ कि नॉर्मल डेटा हो गया, ये टेबल डेटा नहीं रहा। तो पहले 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 नॉर्मल नहीं था? नहीं अभी नॉर्मल नहीं है, अभी देख रहा आपके टेबल डेटा है, इसका एक अपना अलग आइडेंटिफिकेशन है डेटा। ओके ओके ठीक है ना, इसकी एक अपनी प्रॉपर्टी है, जैसे दिख रहा है ऐसा टेबल की प्रॉपर्टी है, इसमें बहुत सारे बेनिफिट है, जैसे कि टोटल रो कर देंगे तो नीचे एक टोटल रो का कॉलम ऐड हो गया ना, इसमें क्लिक करके अपनी टोटलिंग सेलेक्ट कर सकते हैं मुझे क्या चाहिए, सम चाहिए, दिख रहा है सर आपको? सर ठीक है ठीक है, क्लिक करते हैं हम यहाँ पे सम मैक्सिमम मिनिमम सब ले रहे हैं, ले रहे हैं ना सर? ठीक है, इसी तरह से आपको जो है यहाँ पे फर्स्ट रो पे क्लिक किया, देख रहे हैं आपको बोल्ड हो गया फर्स्ट कॉलम, लास्ट कॉलम दिख रहा है आपको, बैंडेड कॉलम बोल हल्का सा बोल्ड हो रहा है, ये देखेंगे यहाँ पर फर्क पड़ेगा, यहाँ लाइनिंग देखेंगे तो समझ गया। ऐसे ही आपको फिल्टर बटन ऊपर फिल्टर दिख रहा है, फिल्टर नहीं दिखेगा, इससे जो प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टीज आपको नॉर्मल डेटा में नहीं होती है सर, ये तो टेबल में है, ये टेबल ठीक है। हाँ टेबल में, इसमें और भी चीजें स्लाइसर ऐड कर सकते हैं, स्लाइसर क्लिक कर दिया, जैसे नेम हमने क्लिक कर दिया तो हमें फिल्टर लगाना है बेनिफिट होगा, ऐसा करने से क्या होगा कि मैं पूजा पे क्लिक करूंगा तो मुझे पूजा का डेटा दिखेगा, ठीक है ना सर? ये इसको क्या बोलते हैं, ये कैसे किया आपने? स्लाइसर है इसको, यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ पे स्लाइसर दिखेगा, टेबल डिजाइन पे स्लाइसर, तो किस पे स्लाइसर लगाना है फील्ड को चूज कीजिए, आपको यहाँ पर जिसको भी क्लिक कीजिएगा वो उसी का सिर्फ डेटा दिखेगा। ठीक 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 ठीक, लेकिन सिर्फ टेबल पे एप्लीकेबल होता है, नॉर्मल डेटा पे नहीं, सिर्फ टेबल पे एप्लीकेबल। डेटा को एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो इसको आप शेयर पॉइंट और बाकी चीजों पे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ओके बाकी चीज जो है वो एक्सटर्नल डेटा पे आगे मैं आपको सिखाऊंगा, यहाँ पे डेटा के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं, आप अपने हिसाब से जो फॉर्मेट लेना चाहे ले सकते हैं। ओके और नॉर्मल कन्वर्ट टू रेंज नॉर्मल डेटा फॉर्मेटिंग रहेगा, बाकी बाकी सब कुछ हट जाएगा, ऊपर देखिए कुछ नहीं दिख रहा है। ठीक ठीक ठीक, तो टेबल फॉर्मेट है जो टेबल समझ में आ गया आपको? एक मिनट मेरी बैक हेलो हेलो, टेबल के बाद अगला जो पार्ट है वो पार्ट है हमारा फॉर्मेट एज ए सेल। जैसे मैंने बताया कि टेबल से कुछ बेनिफिट है तो कुछ नुकसान भी, इसलिए हम डेटा को टेबल फॉर्मेट में हमेशा नहीं रखते, ठीक है सर? लेकिन मुझे फॉर्मेटिंग तो करनी है, मेरा इंटेंशन सिर्फ टेबल डेटा को टेबल में रखना नहीं, मुझे फॉर्मेट भी करना है, तो उस केस में हमारे पास एक ऑप्शन है। ऑप्शन क्या है? फॉर्मेट एज, यहाँ पे सेल एज, सेल स्टाइल, सेल स्टाइल में बना बनाया फॉर्मेट है जो कि आप अप्लाई कर सकते हैं, जस्ट फॉर्मेटिंग करता है और कुछ नहीं करता, ठीक है सर? ओके ये उसको टेबल में कन्वर्ट नहीं करता? नहीं जस्ट फॉर्मेटिंग करता है, और इसमें आप अपने फॉर्मेट भी तैयार कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे न्यू स्टाइल में चले जाइए और अपने हिसाब से फॉर्मेट में जाके अपना स्टाइल बना सकते हैं कि भाई क्या क्या होना चाहिए, जैसे हमने बोला कि हमें बॉर्डर चाहिए इस तरह से, हमें फॉन्ट, हमारा फॉन्ट का कलर जो है हल्का सा ये होना चाहिए, वो
बोल्ड होना चाहिए, या अलाइनमेंट में हमने बोला सेंट्रल होना चाहिए, सिंक टू फिट होना चाहिए, रैप टेक्स्ट होना चाहिए, ये चीज हमने यहाँ अप्लाई कर दी। उसके बाद यहाँ पे न्यूमेरिकल जर्नल और बाकी चीजें भी आप दिख रहे हैं, आना चाहो तो बता सकते हैं, प्रोटेक्शन अनलॉक होना चाहिए, प्रोटेक्ट नहीं होना चाहिए, बगल आप कर सकते हैं। और स्टाइल वन के नाम से एन एफ के नाम हमने बना दिया, ठीक है। अब जो है यहाँ मुझे अप्लाई करना होगा तो यहाँ पे सेल स्टाइल के अंदर में एन एफ दिख रहा है, सॉरी, ठीक है सर, ताकि अपनी फॉर्मेटिंग बना सकते हैं, ताकि आप बार बार यूज करते समय इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर है, क्लियर हो गया, तो इसका यूज आप कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। ये टेबल के नुकसान, आपने कहा टेबल के कुछ एडवांटेज भी हैं, डिसएडवांटेज भी हैं, उसके डिसएडवांटेज क्या है? मैं आगे बताऊंगा, टेबल वो हम आगे बताएंगे, ठीक है। तो एक तो मैं बता देता हूँ, एक डिसएडवांटेज तो आपको एक बता देता हूँ, जैसे हमने इसको टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया ना, टेबल यहाँ से इंसर्ट से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते, हो गया। जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे सम का फॉर्म लगाया, सम लगाया तो हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, क्लियर सर। अब यहाँ पे मैं इसको नीचे ड्रैग करता हूँ, कुछ दिख रहा है सर? आपका फॉर्मूला ड्रैग नहीं हो रहा है क्योंकि तो इसने फॉर्मूला नहीं लिया, इसने टेबल का कंटेंट ले लिया। एक दिक्कत आप होगी ना, आगे चल गया, आप मान लो फॉर्मूला लगाते हो ड्रैग करोगे तो बाकी जैन का एमआर सबका आना चाहिए क्या? तो उस समय आपको यहाँ पे मैनुअली सम के अंदर जाके लिखना होगा कि V2 से लेके V22, अब इसको तो आगे ड्रैग करें तो यहाँ पे आपको, अब यहाँ पर वरी का दिखा गया ना आपका सर, तो टेबल में ये उस फॉर्मूले को ड्रैग नहीं करता, और भी चीजें हैं, ये एक छोटा सा बताया मैंने आपको, ठीक है, ठीक है। तो आपको फॉर्मेट टेबल और सेल स्टाइल दोनों समझ में आ गया? आ गया समझ में। अब इंसर्ट की हम बात करें, जैसे इंसर्ट सेल, आप सेल को इंसर्ट कर सकते हैं, सेल मतलब कि मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे ब्लैंक सेल चाहिए, तो अब क्या करेंगे हम यहाँ पे इंसर्ट पे इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल शिफ्ट प्लस इक्वल। तो इंसर्ट सेल में क्या होता है कि देखिए इंसर्ट हो गया, इसने पूरी रो कर दी है, जैसे यहाँ पे कंट्रोल प्लस करेंगे तो देखिए अभी टेबल है इसलिए ऐसा हो रहा है, टेबल है इसलिए आपको ऐसा दिख रहा है, और अगर टेबल ना हो तो, टेबल ना हो तो देखिए ये पूछेगा कि आप जो इंसर्ट कर रहे हो यहाँ पे इसका जो डेटा है वो कहाँ शिफ्ट हो, डाउन, जो मान ये जो आपका 52 से लेके नीचे आपने डाउन कर दिया, देखिए ये उठा के इसको नीचे रख दिया और यहाँ पे सेल आप उसी तरह से अगर मैं कंट्रोल प्लस करता हूँ यहाँ पे राइट करता हूँ तो देखिए क्या करेगा कि राइट का पूरा डेटा देगा, इधर घसका के नीचे कर देगा, आपको पूरा का पूरा इंसर्ट रो करना है या इंसर्ट कॉलम करना है तो यहाँ से कर सकते हो, या पूरी पूरी शीट इंसर्ट करना है जो कि जनरली हम लोग राइट क्लिक करके कर लेते हैं, तो ये ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, क्लियर है, क्लियर हो गया। उसके बाद डिलीट, सेम डिलीटिंग का से ऑप्शन है कि आप सेल को, रो को, सीट को, कॉलम को डिलीट कर सकते हो, क्योंकि जनरली राइट क्लिक में कर देते हैं। उसके बाद फॉर्मेट में जैसे रो की हाइट या ऑटो फिट करना, कॉलम का विड्थ या ऑटो फिट करना, डिफॉल्ट करना,
या हाइड अनहाइड करना, रो को हाइड करना, कॉलम को हाइड करना, सीट को हाइड करना, ताकि ये चीज आपको तो पता ही है बनाने के लिए। ये मुझे आइडिया है इसके, इसको सीट को रिनेम करना, उसको कॉपी करना, उसकी बैकग्राउंड कलर को चेंज करना, और प्रोटेक्शन तो आपको हमने बताया था, और फॉर्मेट सेल वही होता है, राइट क्लिक करने पे जो आता है इसी बार फॉर्मेट सेल बनता है। ठीक 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 आप बोलेंगे सर एक लॉक था, तो लॉक अनलॉक से बताया था ना, हो गया होगा जो फॉर्मेट सेल के प्रोटेक्शन में होता है। तो अगर मुझे इसको लॉक अनलॉक करना है तो मैं यहीं से इस पर चेक कर दूंगा और देखिए अनलॉक हो गया, मतलब कि राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल में प्रोटेक्ट की जाइए क्लियर कर लूंगा, समझे कि नहीं सर? ये अब लॉक नहीं है ना? नहीं है। ओके क्लियर है, क्लियर हो गया। अब इसमें कुछ और चीजें भी है, जैसे कि तो यहाँ पे हम जो है ऑटो सम की बात आती है, हमने कुछ नंबर्स लिखा, मुझे इनका सम करना है, तो जनरली हम यहाँ पे सम का फॉर्मूला लगाते हैं, लगाते हैं ना, सम का फॉर्मूला नहीं लगा के हम जस्ट यहाँ पे ऑल्ट इक्वल प्लेस करेंगे, क्या करेंगे ऑल्ट इक्वल, और अगर दरमियान में स्पेस आ गई फॉर एग्जांपल 3 के बाद एम्प्टी है तो फिर से हमें ड्रैग करना पड़ेगा ना उसे। जी कुछ तो है, कुछ होता है, अब मुझे सम नहीं करना है, मुझे कुछ और करना है, तो यहां पे आपके सामने होता है ठीक है सम एवरेज मिनिमम मैक्सिमम कर सकते हैं, जैसे मैंने मान लीजिए मुझे एवरेज करना है, यहाँ पे देखिए एवरेज का फॉर्मूला लग गया, ये ऑटोमेटिक फॉर्मूला भी लगा देते हैं। ठीक है ठीक है, कोई डाउट इसमें? नो 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 आगे बढ़े। हाँ जी बिल्कुल, अगला ऑप्शन इसमें होता है हमारा फिल, जैसे मैंने यहाँ पे 20 लिखा, अब मुझे इसको कॉपी करके पेस्ट करना, सिलेक्ट किया, यहाँ पे देखिए अगर फिल डाउन करता है तो 20 नीचे तक करना, अगर राइट में करना है तो यहाँ अगर मैंने इसको फिल राइट किया तो राइट पे चला, ऐसे में यहाँ अप करूंगा तो ये अप में आ जाएगा, और इसको लेफ्ट डाउन यहाँ पे लेफ्ट करूंगा ऐसे देखिए तो लेफ्ट में हो जाएगा। ठीक 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 है, तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि अगला ऑप्शन सीरीज और जस्टिफाई वगैरह है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको हम कल 1 बजे आपके टाइम से हम करेंगे ठीक है। हाँ कल हम, अब हमारी ये टाइमिंग जो है ये डेफिनेटली होपफुली कि ये फिक्स रहेगी। ठीक बाद में चेंज करना हो तो मुझे बता दीजिए, मेरे पास सुटेबल टाइम होगा तो आपको दे दूंगा। क्या वो समझ नहीं है? अगर बाद में कभी चेंज करना होगा तो मेरे पास जो भी सुटेबल टाइम होगा मैं आपको दे दूंगा। हाँ नहीं नहीं, थैंक यू सो मच, मैं इसको मैं करूंगा। ओके सर, ठीक है, थैंक यू जी, थैंक यू।